चलिए रोल देखिए, पिछले कई साल से वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पे पोल्यूशन फ्री मुंबई हो और एनवायरनमेंट को लेके पूरे देश में काफ़ी जागरूकता पिछले कई सालों से लोगों के अंदर आई है, लेकिन आज हमने मैंग्रोव सेव मैंग्रोव करके एक ड्राइव का मुंबई में शुरुआत कर रहे हैं। मैंग्रोव आप सबको पता है कि काफ़ी एक महत्वपूर्ण विषय है मुंबई के लिए, और जब मुंबई में इतना डेवलपमेंट हो रहा है तो मैंग्रोव को बचाना, और आज बहुत से लोग ऐसा प्रयास कर रहे हैं कि मैंग्रोव को काट के लैंड का इंक्रोचमेंट हो रहा है, वहाँ पर इलीगल तरह के कंस्ट्रक्शन और झोपड़ों को बनाकर एनवायरमेंट ग्रीन जोन बनाया जाएगा। तो सरकार का पूरा प्रयास है कि ग्रीनरी को वैसे ही बरकरार मुंबई की रखें, साथ ही साथ एज अ सिटीज़न मैंग्रोव को काटने के जो लोग काम कर रहे हैं उसके खिलाफ सरकार कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे। हमारी महाराष्ट्र सरकार से ये निवेदन रहेगा कि एक हेल्पलाइन नंबर महाराष्ट्र में बीएमसी मुंबई में चालू करे, जो भी मैंग्रोव को काटने के प्रति काम करेगा उसकी कोई भी कंप्लेंट ऑनलाइन तुरंत। समय में सरकार जिस हिसाब से प्लास्टिक के प्रति, ट्रांसपोर्टेशन के प्रति, गार्डन्स को सेव रखें और नए गार्डन्स बनाएं, उनका इंक्रोचमेंट कम हो कि लोगों बच्चे उसमें आगे खेल सके, उसमें ट्री प्लांटेशन ज़्यादा हो, ये काम चालू है और 2-3 साल के अंदर काफ़ी मुंबई को आप नया मुंबई करके आपको चेंज होकर नजर आएगा। I think it's a great initiative, and I'm very happy that you know they are doing this for us, because it's obviously jitna hamare around greens rahega it's better for us also. So I think it's great. Yeah, I think they're doing a very very good job, and we should all be supportive of it, and here we are because we support the initiative, and that's why we are here to make sure that it goes through and it goes ki ye aapko karna hai to I can tell you and I can assure you ki 6 mahine ke andar andar aapko agar difference nahi mehsoos hoga to you can change my name. It's a mother's duty to teach her children, because we're going to save mother earth. Yeah. And this is our country. pehle mera aisa manna hai ki pehle jisne pure india ne usko follow kiya, aise hi ye mangroves aur environment aur plastic aur transportation bahut achhe issues hai, sarkar aur citizen मिलके मुंबई को एक ग्रीन सिटी, और मोदी जी का 2022 में जो सपना है ग्रीन सिटी और क्लीन इंडिया और ग्रीन इंडिया, ये सपना ज़रूर पूरा होगा। इसकी एक छोटी सी शुरुआत हम युवा और ये हमारे जो सेलिब्रिटीज़ जो आज लोगों का चेहरा है और लोग इनको फॉलो करते हैं,